किसी को पॉइंट प्रूव करने के लिए जॉब नहीं कर रहा हूँ। बहुत कम दफा होता है कि लोग इतना प्यार आपको दें। आई वॉज नॉट ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट टू एनीवन कि मेरी खुद की एक आइडेंटिटी है। वो पिछले साल सपना मेरा इन वे पूरा हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ आशीष। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक भास्कर, और हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट जिनके अंदर टैलेंट और खूबसूरती का है भरमार, वो है हमारे अपार। कैसे, क्या बात है, थैंक यू सो मच ब्रदर। और मैंने कोई पैसे नहीं दिए इनको ये बोलने के लिए मेरे बारे में। वो भाई वाला प्यार है वो। एब्सोल्युटली यार, आई थिंक व्हेनेवर आई हैव सैट डाउन विद यू टू डिस्कस लाइफ, टू डिस्कस फिल्म्स, टू डिस्कस वर्क एंड एवरीथिंग टुगेदर, हमेशा बहुत ही अच्छी एक हैप्पी कॉन्वर्सेशन रही है। एंड आई थिंक आप वन ऑफ द फ्यू जर्नलिस्ट हैं जो बिल्कुल ही you know, दिल से सवाल पूछते हैं, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश नहीं। जी सिने अवार्ड्स 2024 अवार्ड से तो आपका नाता रहा है, होस्टिंग कमाल करते हो इस बार, क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स परफॉर्म कर रहे हैं, शाहरुख खान, बॉबी भाई, मोनी, बहुत सारे लोग आ लिया। क्या कुछ खास होने वाला है बताइए यार। आई थिंक द लाइनअप इज रियली गुड, सच बात कह रहे हैं आप कि बहुत, आई थिंक इवन आयुष भाई भी हैं। एब्सोल्युटली, मैं आ रहा था धीरे धीरे अपने घर की तारीफ करते हुए, खुद अच्छा नहीं लगता, बट हैविंग सेड दैट आई थिंक इट्स अ ग्रेट लाइनअप। एंड जी सिने अवार्ड्स के साथ पुराना रिश्ता है मेरा, पुराना नाता है, मैं और भैया पहले भी होस्ट कर चुके हैं एक साथ, एंड इट्स ब्यूटीफुल टू डू इट टुगेदर वन मोर टाइम, और बहुत मजा आने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जो डांस परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा सटीक रखी गई, एंड द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ द कंट्री शाहरुख खान इज परफॉर्मिंग, एंड इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अपार भाई, आप ना सिर्फ होस्टिंग में बल्कि एक्टिंग में भी छाए हुए हो, पिछला साल बहुत कमाल रहा, मतलब ऐसी ऐसी रूल्स की आपने कि अब चाहे जुबली की बात करें या फिल्मों में जिस तरीके के रोल की अरेंज दिखाए, और हर तरफ तारीफ हुई है, इस पिछले साल को लेकर क्या कहना चाहोगे, और जो बेशुमार प्यार मिला है, कनेक्शन लोगों के साथ बना है। हर एक आर्टिस्ट हर तरीके के काम करने के लिए मुंबई आता है, हर तरीके के रोल्स करने के लिए, हर तरीके के एक्टर्स प्ले करने के लिए मुंबई आता है। वो पिछले साल सपना मेरा इन अ वे पूरा हुआ है, एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड। और अच्छा और भी ज़्यादा तब लगता है जब लोग उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रहे हों, स्पेशली पीपल इन द फ्रेटर्निटी, स्पेशली जर्नलिस्ट लाइक यू, स्पेशली यू नो द मेकर्स जिन्होंने यू नो जुबली देखा और उसको देखने के बाद प्यार दिया। आपकी पर्सनालिटी ना इतनी वो वाइब्रेंट है, हमेशा पॉजिटिव वाइब्स देते हो, खुश मिजाज इतने हो, तो रोल्स भी वैसे मिलते थे कॉमिक दोस्तों वाले, लेकिन ये जो जिस तरीके के अब रोल्स मिल रहे हैं मेरे कैरेक्टर से बिल्कुल विपरीत है, और वो निकल के ऐसा आ रहा है कि लोगों के दिल में एक छाप छोड़ गया। क्या वो मेकर्स अब समझ पा रहे हैं जो असली में अपार के अंदर इतनी सारी शक्तियां हैं? यार आई रियली डोंट नो, ऑल्सो आई डोंट थिंक लाइक दैट कि क्या उनको अब पता चला है कि नहीं पता चला है। आई एम जस्ट डूइंग माई लिटिल वर्क एंड आई एम हैप्पी डूइंग दैट। उसी तरीके से मैं ये किसी को पॉइंट प्रूव करने के लिए जॉब नहीं कर रहा हूँ। मैं इस शहर में आई वुडंट कम टू दिस सिटी टू प्रूव अ पॉइंट टू एनीवन। ये सब मेरी एक यू नो एज अ कलाकार, एज एन आर्टिस्ट, एक यू नो एक सेटिस्फैक्शन है, एंड दैट्स अबाउट इट। इट विल नेवर गो बियॉन्ड दैट। जो लोग इस प्यार को और इस तसल्ली को और इस सेटिस्फैक्शन को समझ पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो भी कोई स्ट्रेस नहीं है यार। आई मीन आई हैव इमेंस लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू नो एवरीबडी हु इज अ पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी। एवरीबडी हैज हैड देयर ओन जर्नी, एंड ये जो प्यार मिल रहा है वो जितना मिल रहा है करेक्ट है, अगर थोड़ा कम भी होता तो भी करेक्ट था, ज्यादा भी मिलेगा तो भी बहुत अच्छा है। दंगल की बात करें, आमिर खान से लेके इतना एंसेंबल कास्ट, स्त्री की बात करें, पति पत्नी और वो की बात करें, या जुबली की बात करें, कितना भी बड़ा कास्ट हो लेकिन उसमें आपने अपना एक फ्लेवर, एक अपनी छाप छोड़ी, ये कैसे कर लेते हो? ए नॉट थिंकिंग टू मच अबाउट कि मैंने हटके कैसे करना है, बिकॉज व्हेन यू प्लान ऑल दीस थिंग्स, वो नजर आता है कि कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है ज़बरदस्ती। आई थिंक जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड नॉट ट्राइंग टू डू एक्स्ट्रा इज समटाइम्स द की, एंड उससे काफ़ी खूबसूरती से ऑर्गेनिकली चीज़ें अच्छे तरीके से निकल के आती हैं, और वो इनोसेंस, वो ऑनेस्टी बरकरार रहती है। और एक कमाल की बात ये हुई कि आयुष भाई से अलग, एक लीग से एक अपनी लाइन अलग बनाई, नहीं तो पहले क्या होता था कि लोग आयुष भाई से रिलेट करते थे, ये अपने आप में खुशी देता है। इट्स नॉट समथिंग विच वॉज रनिंग इन माई माइंड, इट इज नॉट समथिंग दैट आई वॉज ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट, and it has never been like that and it will be never like that. Jo cheeze mere paas aa rahi hain main kar raha hu and dil se kar raha hu, apni taraf se innocence ke sath kar raha hu, zyada soch nahi raha hu iske bare mein. Again jo aapne sawal pucha hai, I was not trying to prove a point to anyone ki meri khud ki ek identity hai ya kuch vagera. I'm an artist who loves working you know on and off the camera and I'm doing it, touch wood. Apar jo itna apar pyar kar rahe hain jo darshak,
अभी स्त्री 2 आ रही है और क्या क्या आने वाला है, क्योंकि वो एक्साइटेड है, कुछ बताना चाहोगे? यार एक मैंने फिल्म खत्म करी है जी स्टूडियोज के साथ ही, जी सिने अवार्ड्स की बात हो रही है, तो इट्स कॉल्ड बर्लिन। बहुत ही मजे की फिल्म है, बहुत ही इंटेंस ऑर्गेनिक फिल्म है, ट्रू फिल्म मेकिंग है। अतुल सबरवाल जिन्होंने जुबली लिखा है, उन्होंने ही ये लिखी भी है और डायरेक्ट भी की है, तो विनोद से आगे एक और अलग किरदार। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और इसमें तो साइन लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा कमाल का इस्तेमाल हुआ है। उसके अलावा यार मैंने एक बहुत प्यारा नॉन फिक्शन शो ख़त्म किया है, इट्स कॉल्ड फाइंडिंग राम। तो मैं हर उस जगह पर जाकर मैं विलेजेस को मिला हूँ, प्रीस्ट्स को मिला हूँ, मंदिर में बैठा हूँ जाकर, यू नो जंगलों में जाकर मैंने शूट किया है। इट्स अ जर्नी ऑफ श्री राम फ्रॉम अयोध्या टू लंका, एंड 14 साल के वनवास में वो जहाँ जहाँ रुके थे मैंने वहाँ रुक कर सबसे बातें करने की कोशिश की है। आई पुल्ड इन सम एक्सपर्ट्स फ्रॉम यू नो फ्रॉम द US एंड अदरवाइज ऑल्सो, कुछ इंडियन ऑथर्स जिन्होंने जिनको श्री राम के ऊपर ज़्यादा नॉलेज है, उनकी पूरी जर्नी के ऊपर नॉलेज है, सो उनसे बातें करी है। एंड द शो हैज कम आउट रियली वेल। स्त्री 2 भी कमाल निकल के आ रही है, जितना सुना है मैंने। तो यार आपको डबल द हॉरर, डबल द कॉमेडी, डबल द फन मिलने वाला है, एंड आई थिंक इट्स वन क्रैकर ऑफ अ फिल्म। आखिर में भाई आरजेइंग विजेइंग होस्ट, तब ये सोचा था कि इस कदर, मतलब चाहे होस्टिंग हो एक्टिंग हो, इतना प्यार मिलेगा? नहीं यार, ऑनेस्टली आई पिंच माय सेल्फ एवरी मॉर्निंग कि एज एन एक्टर, एज अ होस्ट, एज अ रेडियो जॉकी, एज अ म्यूजिशियन, एज एन आर्टिस्ट इन टोटैलिटी, बहुत कम दफ़ा होता है कि लोग इतना प्यार आपको दें। एंड टच वुड, आई फील इमेंसली ब्लेस्ड, एंड यू नो चाहे वो एक्टिंग हो, म्यूजिक हो, होस्टिंग हो, मैं इक्वली सबको एंजॉय कर रहा हूँ। फिलहाल आप और मैं बैठे हैं होस्टिंग की बातें करने के लिए, जी सिने अवार्ड्स 10th ऑफ मार्च को है 2024, दिस इज द 22nd एडिशन, एंड आई थिंक बहुत ही सटीक शो बनाया है। आयुष भाई के साथ कैमरा डी दिखेगी होस्टिंग की, तो को होस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अतरंगी चीज़ें देखने को मिलेंगी।